गुलेरिया थाना क्षेत्र के एक ज्वेलरी की दुकान में बदमाशों ने घुसकर दुकान मालिक को गोली मार दी। घटना शाम 5 बजे के करीब की है। एक बाइक पर सवार दो बदमाश ने दुकान में घुसकर दुकान मालिक राजेश गुप्ता को गोली मारकर फरार हो गए। सर्राफा व्यापारी राजेश गुप्ता की गुलेरिया थाना क्षेत्र के चंबल घाटी चौराहे पर सूर्यांश ज्वेलर्स के नाम से एक ज्वेलरी की दुकान है। दो अज्ञात बदमाश उनकी दुकान में घुसकर उन्हें गोली मारकर फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची गुलेरिया थाने की पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया, जहां सर्राफा व्यापारी की हालत स्थिर है। घटना की सूचना मिलते ही एडीजी जोन अखिल कुमार और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित अन्य अधिकारी घटनास्थल का निरीक्षण किए, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि घटना की हर बिंदुओं पर जांच की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों को चेक किया जा रहा है। घटना के खुलासे के लिए कई टीमें बनाई गई हैं और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, एरिया समझ गया। इंटीरियर का है आपका, कौन सा गांव पड़ता है? जंगल डुमरी नंबर एक, चंबल घाटी। चंबल घाटी सर, बड़ा गांव है जी सर। जंगल डुमरी नंबर एक के कई टोले हैं सर, बड़ा ग्राम सभा सर, 52 टोला। देखिए, ये जनपद गोरखपुर के थाना गुलरिया क्षेत्र से आज शाम में एक सूचना प्राप्त हुई कि 5:15 के आसपास श्री राजेश गुप्ता जी, जो कि एक ज्वेलर की दुकान यहाँ चंबल घाटी जो यहाँ का स्थानीय एरिया है वहाँ पर करते हैं, वहाँ पर दो लोग आए जिन्होंने उनके ऊपर फायर किया और फायर करने के बाद वो यहाँ से फरार हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से तत्काल उनको बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। मेरे द्वारा भी उनसे हाल लिया गया है, तो उनकी स्थिति इस समय पर स्थिर है। डॉक्टर द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। घटनास्थल का मुआयना सभी सीनियर अधिकारी द्वारा मेरे द्वारा किया गया है। घटनास्थल पर जो घटनाक्रम हुआ है उस बारे में उनके परिजनों और आसपास के लोगों से विस्तृत जानकारी ली जा रही है। विशेष रूप से जहां पर जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, आसपास जो क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरा दिखाया जा रहा है, परिजनों से इस घटना की जानकारी ली जा रही है और जैसे ही वो स्वस्थ होते हैं उनसे भी इस घटना की पूरी जानकारी ली गई। इसमें कई टीम्स बना करके इस पूरे घटनाक्रम के इन्वेस्टिगेशन और इसके अनावरण हेतु टीम्स को नियुक्त किया गया है और पूरी आशा कि जल्द ही हमें कि अभी जो प्रथम दृष्टि जानकारी हो रही है कि दो लोग आए थे, बाकी जो जिनके साथ घटना हुई है वो इस बारे में जो पूर्ण विवरण देंगे उस घटना से, प्लस जो हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमराज हैं प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे जब विवरण नोट होगा तो उसमें घटना की पूरी वस्तुस्थिति और जिस तरह से घटना हुई है उसकी जानकारी होगी। हमारी टीम लग गई है और जल्द ही इस घटना का अनावरण करने हेतु सबको निर्देशित किया गया।